थैंक यू सो मच, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। आई एम दैट सो हैप्पी कि आप में से कितने लोग 4 बजे उठकर पूजा करें, या पाठ कितनी बार करना है, एक बार कर लीजिए, दिन में नींद आएगी आपको तो आप सो भी जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो औरत अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करती है, वो घर तो अपने आप में स्वर्ग बन जाता है। और समर्पण की भावना से करिए, मतलब इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करके मुझे अच्छा लगा, मेरे मन को अच्छा लगा। अरे लक्ष्मी जब आएगी आएगी, धन जब आएगा आएगा, कितना अच्छा लगा ना, कितना पॉजिटिव लगा ना, कितना मतलब ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी आ ही गई है घर, इज इट? जिन जिन को ऐसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएं अपने फीलिंग्स को। सुबह उठना ही अपने आप में इतना खूबसूरत है। और देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, आज 9 तारीख हो गई, केवल 10 दिन सावन के बचे हैं। जो ये खूबसूरत महिलाएं 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन भी महालक्ष्मी की पूजा कर लेंगी ना, साल भर की पूजा का फल उन्हें मिलेगा। मतलब मन को बहुत अच्छा लगेगा। पति देव को भी पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स करिए। आपकी कोई देवरानी है, आपकी कोई जेठानी, आपकी कोई बहन, आपकी कोई सहेली है, आप उसे गुलाब का फूल दीजिए। और सारे पतियों से भी कहूँगी, शाम को जब घर वापस लौटें, या आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो शाम को बाज़ार जाके कुछ घर के लिए ले आइए। घर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। केले ले लो, फल ले लो, मिठाई ले लो, आइसक्रीम ले लो, टेक समथिंग, बट खाली हाथ कभी घर मत लौटो। किस्मत बदलने लगेगी, जस्ट फॉलो मी। कमेंट्स में जय माता दी।